हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे अपने स्कैनिंग करते हैं, वो कैसे अपना काम करते हैं। नॉर्मली आप अपना जो स्कैनर होगा, जो अपना फिल्टर होगा, वहां से एक्सेल लेके स्कैन करते होंगे। लेकिन जो बात मैं आज आपको बताऊंगा, आप में से कई लोग शायद उसको ऑलरेडी यूज करते भी होंगे, लेकिन मैं एक सीरीज बताना चाहता था कि जहाँ पे प्रो ट्रेडर आप कैसे बन पाएंगे, क्या क्या चेंजेस आपको लाने चाहिए अपने ट्रेडिंग में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इनसाइड बार वाला वीडियो है दैट इज ऑलरेडी रेडी एंड आई एम वेटिंग फॉर सम मोर रिट्वीट्स हियर। अगर इनसाइड बार वाली मेरी इस ट्वीट को जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे थोड़े और रिट्वीट मिल जाएंगे तो मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगा कि ये वीडियो कब रिलीज होगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सपोर्ट करते रहे एंड इन रिटर्न मैं भी आपको कुछ ना कुछ तरीके से सपोर्ट करता रहूंगा। जो लोग चैनल को सपोर्ट करते होंगे आई विल मेक श्योर कि मैं उनके काम आऊं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो नॉर्मली आप स्कैन करते हैं अपना डेली स्कैन, जहां पे जो स्टॉक्स होते हैं आप लेस से आपने 200 डेमा के ऊपर के स्टॉक स्कैन कर लिए, आपने 50 डेमा के ऊपर के स्टॉक स्कैन कर लिए, या आपने लास्ट 30 डेज में जो 30% या उससे ज्यादा हुए वो सारे स्टॉक स्कैन कर लिए। लेकिन एक चीज आपके साथ आपके पास होनी चाहिए, दैट इज सेक्टर वाइज लिस्ट, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ऑटो एंसिलरीज, ऑटो स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स। जैसे आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब सीमेंट स्टॉक बहुत अच्छे परफॉर्म किए, तो आपके पास सीमेंट की स्टॉक की एक लिस्ट होनी चाहिए, जहां पे आप अगर मार्केट आवर्स में अगर आप काम कर रहे हैं या उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेक करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है। आपको एक एक स्टॉक पकड़ने नहीं जाना पड़ेगा अगर आपने ऐसे सेक्टर वाइज लिस्ट ऐसी अपने ऑलरेडी पहले बना के रखी होगी। ये जैसे मैंने बना के रखा है आईटी स्टॉक्स, तो यहाँ पे कौन सा स्टॉक आईटी स्टॉक स्ट्रॉन्ग था। जैसे अगर आपको केमिकल स्टॉक्स में जाना है तो आप यहाँ पे जाके देख लेंगे कि कौन सा केमिकल स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी, जैसे कि गुजरात अल्कली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा लेंगे और इन रिटर्न आप और कुछ प्रोडक्टिव काम करने में अपना टाइम लगा पाएंगे। और ये आप वीक में एक बार भी स्कैन कर लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि जैसे रियल एस्टेट सेक्टर भी अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे जाके आप देखेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में कौन से स्टॉक, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अच्छे ब्रेकआउट दे रहे हैं। आप इंडेक्स भी, नॉर्मली आप इंडेक्स ही चेक करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार जाके आप स्टॉक भी स्कैन करें एटलीस्ट वंस इन अ वीक, कि आप जाके देखें कि कौन से सेक्टर के स्टॉक सेटअप हो रहे हैं, जिससे क्या होगा आपको एक और बूस्ट मिलेगा, आपके जो स्टॉक चल रहे होंगे उसको थोड़ा एक और पुश मिलेगा, बिकॉज आप राइट सेक्टर में होंगे। तो अगर आप राइट सेक्टर में होंगे तो स्टॉक को एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा, एड ऑन पुश मिलेगा, और आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे अपनी बाइक के ऊपर, ये सुगर स्टॉक्स। सो इस तरीके से आप देखिए कि आप डेली वीकली जाके अपने स्टॉक स्कैन करिए। अगर आपके पास सेक्टोरियल स्टॉक की वर्कलिस्ट रेडी होगी तो आपका उतना टाइम नहीं जाएगा स्कैन करने में। अगर आप ट्रेडिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो ये आपको एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि जहां पे, क्योंकि क्या होगा रनिंग मार्केट पे भी, मान लो आज जैसे सीमेंट के स्टॉक ऊपर आए थे तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा स्टॉक बेटर परफॉर्म कर सकता है आपकी जो वर्कलिस्ट है, या आपकी वर्कलिस्ट में ना भी हो लेकिन आपने अगर देखे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि सीमेंट के स्टॉक फ्लैश हो रहे हैं, तो आपके पास अगर जो वर्चलिस्ट रेडी होगी सेक्टोरियल वर्चलिस्ट रेड, अगर आपके पास सेक्टोरियल वर्चलिस्ट रेडी होगी तो आप फट से जाके चेक कर पाएंगे और अपना काम इजीली कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। आप अपना स्कैनिंग तो डेली कर लेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा थोड़ा जाके आपको 10-15 या 20 स्टॉक और देख लेने हैं, आपको थोड़े और स्टॉक्स चेक करने हैं, स्कैन करने हैं, और वहां से जाके आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स सेटअप हो रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे आज सीमेंट के स्टॉक चले, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑन 18th of August आफ्टर मार्केट क्लोज, तो आप देखिए एक दिन पहले सारे स्टॉक टाइट रेंज में आज गए थे जो सीमेंट के, ऑलमोस्ट जो स्टॉक से इनसाइड बार या नैरो रेंज कैंडल बनाई थी, अंबुजा सीमेंट वॉज लीडिंग द पैक,
ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज अंबुजा सीमेंट ने एसीसी में एक अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुका था, रेमको वो गैप अप के बाद एक अच्छा, गैप डाउन के बाद एक अच्छा मूव दिया। तो इस तरीके से आपको सेक्टोरियल लिस्ट आपकी रेडी होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये लिस्ट आप कैसे रेडी करेंगे? आप वेरियस वेबसाइट पे जाके या वेरियस एप्लीकेशन पे जाके आप वहां पे जाके देख पाएंगे, बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, केमिकल, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे सेक्टोरियल की लिस्ट आपको नॉर्मली मिल जाएगी। और आपकी जो जरूरत होगी, क्योंकि मैं पेनी स्टॉक्स ट्रेड नहीं करता, सो बिलो 30 बिलो 50 आप रिमूव करके आप अपने हिसाब से मार्केट कैप से हिसाब से आप अपने आप ऐड कर पाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन यूज नहीं करते होगे तो आपको मोबाइल में से एक्स्ट्रा वॉच लिस्ट ऐसी क्रिएट करके यहाँ पे इतनी सारी जो वॉच लिस्ट है वो ऐड करके आप मोबाइल से पहले ऐड कर लीजिए। और कैसे ऐड करेंगे वो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो वो वीडियो देख लेना पहले। अगर आपको नहीं पता कि आप एक्स्ट्रा वॉच लिस्ट कैसे ऐड कर पाएंगे ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में, तो वो करके आप फिर ये जो सारे स्टॉक है मे बी एक वीकेंड आराम से बैठ के आप सारे स्टॉक एक सेक्टर वाइज सेट कर दीजिए और बाकी का काम आपका फिर बहुत ईजी होगा यार। सेक्टर के सिवा एक और चीज आपको हमेशा चेक करती रहनी है, वो डेली चेक करनी है, वो है आईपीओ की लिस्ट। आपको हमेशा चेक करते रहना आईपीओ स्टॉक जो रिसेंटली या लास्ट एक या दो साल में लिस्ट हुए है, वो स्टॉक्स को आपको हमेशा चेक करना है डेली में, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा अच्छा मूव मिलेगा, बिकॉज द लिक्विडिटी विल बी नॉट दैट हाई देयर एंड स्टॉक्स अच्छे मूव करेंगे वहां से, बिकॉज वो यंग स्टॉक्स होंगे मोस्टली। स्टॉक्स अगर अच्छा मूव दे रहे तो वो यंग मूव दे रहे होंगे, तो आपको आईपीओ की लिस्ट विदाउट फेल डेली चेक करनी होगी। सो ये तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, कि आप अगर स्कैनिंग अपना नॉर्मल स्कैन कर रहे हैं और जो सेक्टोरल स्कैन मिस कर रहे हैं तो शायद आप बहुत अच्छे स्टॉक्स भी मिस कर जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई मैंने आपके साथ ये वीडियो बना के शेयर किया है, कि अगर आप एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचना चाहते हैं, प्रो ट्रेडर की तरह ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको सेक्टोरियल स्कैन जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ वो अपनी अपनी वॉचलिस्ट में प्रिपेयर करनी होगी। आप अगर पेड वर्जन यूज कर रहे हैं या फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, आपको दोनों केसेस में इस तरीके से सेक्टोरियल वॉचलिस्ट प्रिपेयर करनी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।